टाटा मोटर्स की टाटा अल्ट्रोस को हाल ही में आईपीएल 2020 का आधिकारिक साझेदार बनाया गया है। यह कंपनी की प्रीमियम हैचबैक है जो कि धीरे धीरे बाजार में काफी लोकप्रिय हो रही है। अब कंपनी ने इसकी बिक्री को बढ़ाने के लिए इसके डीजल वेरिएंट की कीमत में कटौती की है। टाटा अल्ट्रोस के डीजल वेरिएंट की कीमत में 40,000 रुपए तक की कटौती की गई है। बता दें कि इसके डीजल बेस वेरिएंट को छोड़कर सभी डीजल वेरिएंट की कीमत में कमी आई है। इसे पहले पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च किया गया था, जिसके बाद इस कार को डीजल इंजन के साथ उतारा गया था। इसके डीजल वेरिएंट की कीमत 6,99,000 रुपए से लेकर 9,09,000 रुपए एक्स शोरूम के बीच है। बता दें कि अगस्त 2020 में ही अल्ट्रोस के सभी वेरिएंट में 16,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन डीजल बेस वेरिएंट की कीमत नहीं बढ़ाई गई थी। कंपनी की इस कटौती के बाद इसके XM वेरिएंट की कीमत 7,50,000 रुपए, XT वेरिएंट की कीमत 8,19,000 रुपए, XZ वेरिएंट की कीमत 8,79,000 रुपए और XZ ऑप्शनल वेरिएंट की कीमत 8,95,000 रुपए हो गई है। बता दें कि भारतीय बाजार में इस वक्त कुल 3 डीजल हैचबैक कारों की बिक्री हो रही है, जिसमें से अल्ट्रोस एक है। कंपनी ने इसकी कीमत में कटौती का कोई कारण नहीं बताया है। इसके डीजल इंजन की बात करें तो इसमें 1.5 लीटर का डीजल इंजन लगाया गया है, जो कि 90 bhp की पावर और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रदान करता है। इसके अलावा अल्ट्रोस में 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 85 bhp की पावर और 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रदान करता है। इन दोनों ही इंजन में 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ऑटो जगत से जुड़ी और भी ताज़ा जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।